ये हैं वेलकम टू बोधि टेंपल, यानी बोधि टेंपल के पास हम आए हैं। अब इसके अंदर हम चलेंगे और वहाँ का नज़ारा हम आपको पूरा बढ़िया तरह से सरल तरह से दिखाएंगे, जो आप देख के। नमस्कार दोस्तों, तो हमारे ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बोधि ब्रिज और बोधि मंदिर, जो बिहार राज्य के गया जिले के बोधगया में स्थित है। दोस्तों, यह बोधि मंदिर बहुत ही फेमस है, जहां देश विदेश से लोग आते रहते हैं। और मंदिर के पीछे में ही बोधि ब्रिज है। बोधि ब्रिज का अर्थ होता है कि ज्ञान का ब्रिज, जहाँ भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यही पेड़ के नीचे हम फिलहाल आए हुए हैं और इसी पेड़ के बगल में जो पेड़ जो दिख रहा है, या पेड़ के जड़ के पास इस तरह का सिंहासन बनाया गया है, जहां भगवान गौतम बुद्ध बैठ के उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों, आज हम यहां के जो पुजारी हैं उनसे कुछ बातें करते हैं और इस बोधि ब्रिज और बोधि पेड़ के रहस्य के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। बोधि ब्रिज के पास अच्छा भाई साठ पूर्णिमा का 2600 वर्ष पहले ज्ञान यहीं मिले थे। दूसरा पहले जो है जो पेड़ से जाकर वो छोटा मंदिर सामने देख रहे हैं, अच्छा अच्छा, वहाँ से भगवान मुझे एक सप्ताह लगा था कि बोधि ब्रिज का पेड़ को देखते रहे थे कि 6 साल मैंने भटकते रहे, कहूँ ज्ञान ना मिले, ये पेड़ में क्या छुपी एक सप्तमी दिन ज्ञान मिले से देखते रहे थे। हम लोग आकर पलक गिर जाते हैं, भगवान बुद्ध का पलक उनका नहीं गिरते थे, लगातार देखते रहे थे। जब मंदिर का पचकरवा किए तो भगवान मुझे पत्थर रखे हुआ देख रहे हैं जमीन पर, अच्छा ये सब पत्थर, जी हाँ, इस जगह पर एक चकरबन करते रहे थे। और लेवन डे आगे जाते थे, लेवन डे पीछे लौटते थे। जहाँ जहाँ पैर रखते थे, पैर के नीचे से कमल चिन्ह दिखाई पड़ते थे, कमल का फूल। फिर सम्राट अशोक राजा जी पटना पाटलिपुत्र का थे, 300 वर्ष का बाद लेवन को पत्थर और कमल चिन्ह बना दी, मिट जाएंगे, अभी बना देते तो निशाने रहेंगे। और मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक राजन के 300 वर्ष के बाद, तो भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला हुआ 2600 वर्ष, और मंदिर देख रहे हैं 2300 वर्ष पुराना मंदिर है। उसका पहले मंदिर था नहीं, बाद में 300 वर्ष के बाद सम्राट अशोक राजा ने बनाया। अच्छा, 2300 वर्ष पुराना मंदिर। अच्छा, आम गाज के पेड़ देख रहे हैं, हाँ। वहाँ ये बोर्ड लगा हुआ है रतन घर, तो भगवान बुद्ध को ध्यान कर रहे थे, हाँ। जब सप्तमी दिन आँख खुले, इनका शरीर से 5 कलर को लाइट निकले थे, जो पंचशील झंडा बोलते हैं गेट के पास लगा हुआ जो प्रवेश किए, अच्छा अच्छा, जो सीढ़ी के पास उतरे वहाँ भी ये बोर्ड लगा हुआ है, हाँ। तो भगवान बुद्ध को ध्यान कर रहे थे, जब सप्तमी दिन आँख खुले तो जात के ऊपर हमन ने पूछ बैठे कि महाराज मंदिर में कौन से व्यक्ति पूजा कराएंगे, हाँ। तो भगवान मुस्कुराते हुए बोले हैं कि जात से ब्राह्मण ना होते हैं, करम से ब्राह्मण होते हैं, बोर्ड में लिखा हुआ है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों। वहाँ से सामने जाइएगा, एक छोटा तालाब है सामने, तो भगवान बैठ को वहाँ ध्यान किए थे, तो अचानक वर्षा पानी तूफान आए, शेष नाग मुचली निकल के 7 दिन रक्षा किए, तो भगवान बुद्ध को तपस्या भंग नहीं। तो मंदिर जो दक्षिण सर गेट हैं, अच्छा। आगे बढ़िए तो राजा रतन लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, तो भगवान बैठ को ध्यान किए। जब सप्तमी दिन आग खुले थे तो बर्मा देश का 2 व्यापारी आए हुए थे, बर्मा देश का भगवान बुद्ध को खाने के लिए उस समय राइस से लड्डू मथु दिए, भगवान बुद्ध का पास देने के लिए आपसी में कुछ नहीं थे उस समय, तो सर का बाल और नाखून काट के दिए थे। तो बौद्ध विहार बनाकर बर्मा देश में रखा हुआ सर का बाल और नाखून, जब यहाँ से सारनाथ चला गए तो पहला उद्देश्य सारनाथ में दिए, 5 मंत्र दिए, 7वें संघ बनने के बाद उद्धम सरनम गच्छामी, धम्मंग सरनम गच्छामी, संगम सरनम गच्छामी, यहाँ सब मिलाकर 49 दिन ध्यान साधना किए, बिना पानी का उठाए पिए नहीं। मंदिर का ऊंचाई देख रहे हैं 180 फुट है, थाईलैंड को राजा ने 2 क्विंटल 89 kg सोना ऊपर में लगाए, 2013 में फाले से नहीं। अच्छा, ये जो सोना का जो कुंभज, हाँ, 2 क्विंटल 89 kg लगा हुआ है ऊपर में, अच्छा, थाईलैंड का राजा 2013। पेड़ देख रहे हैं, चौथी पीढ़ी का पेड़ है जो फोन, हाँ, ये चौथी पीढ़ी का बड़ा था, जिसे पहला जो पीढ़ी था जिसको कोई मतलब कबाड़ के फेंक दिया था, जला दिया, अपने आवाज वाले सुनी था, जो पहला पेड़ था सम्राट अशोक राजा ने बौद्ध धर्म मानते थे, इनका 2 पत्नी बौद्ध धर्म नहीं मानते, तो पहला पेड़ कटवा दिए, फिर कट जाते बारिश के मौसम आते तो कानून उजाते हैं, जब बंगाल के शमशान राजा ने कटाए, तीसरा जब कानून गए थे 2 डाली प्रचार करने में श्रीलंका लगे, श्रीलंका में लगा दिए, तब तीसरा पेड़ हवा पानी में गिर गया,
श्रीलंका से वापस आए हैं, पेड़ का उम्र हाथ जोड़ लेकर नमस्कार करिए, सबको बता दिया नमो दर्शा भगवतो रहतो सभा सम सरनाम गच्छामि धम्मं सरनाम गच्छामि संगम सरनाम गच्छामि बुद्धं सरनाम गच्छामि धम्मं सरनाम गच्छामि संगम सरनाम गच्छामि।